तो चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खबरों की ओर। हिमाचल प्रदेश में जयराम सरकार 8 सितंबर को 17वां जनमंच कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री लोगों की परेशानियों का समाधान निकालेंगे। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि कौन कहां कहां पर करेगा जनमंच। सभी जिलों में होगा जनमंच। सिरमौर के नाहन में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल करेंगे जनमंच। कुल्लू में सिंचाई एवं बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर करेंगे जनमंच। तो वहीं मंडी के सुंदरनगर में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज करेंगे जनमंच। बिलासपुर के श्री नैना देवी में शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी करेंगे जनमंच। वहीं किन्नौर में कृषि मंत्री रामलाल मारकंडे करेंगे जनमंच। तो जयराम सरकार का 17वां जनमंच होने जा रहा है। बता दें आपको, चंबा के चुराह में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार जनमंच कार्यक्रम करेंगे। सोलन में आईपीएच मंत्री वीरेंद्र कंवर करेंगे जनमंच। तो 17वां जनमंच कार्यक्रम जयराम सरकार का होने जा रहा है, जहां हमीरपुर में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह करेंगे जनमंच। तो सभी जिलों में होगा जनमंच कार्यक्रम, जहां लाहौल स्पीति में वन मंत्री गोविंद सिंह जनमंच कार्यक्रम करेंगे। तो वहीं ऊना के चिंतपूर्णी में सहकारिता मंत्री राजीव सैजल करेंगे जनमंच। और कांगड़ा के पालमपुर में डिप्टी स्पीकर हंसराज जनमंच कार्यक्रम करेंगे। शिमला के जुबल कोटखाई में चीफ व्हिप नरेंद्र बरागटा करेंगे जनमंच। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निगम शिमला में 3 गवर्नमेंट टू सिटीजन सेवा का शुभारंभ किया। आपको बता दें, इन सेवाओं में ऑनलाइन गार्बेज चार्जेस कलेक्शन एप्लीकेशन और ऑनलाइन बिल्डिंग प्लानिंग एप्लीकेशन रेंट के अलावा लीज एप्लीकेशन शामिल हैं, जिसके माध्यम से नगर निगम में 11 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। बता दें कि वहीं इसके शुभारंभ के बाद सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि इन सेवाओं के शुरू होने से सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी। तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम की महापौर कुसुम सदरेट ने कहा कि इस सुविधा से शहरवासियों को काफी राहत मिलेगी और लोग घर बैठे ही अपना काम करवा पाएंगे। जो है कई बार लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, तो अब जो है सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। ये हमारी जो है कोई 1000 ऐसी दुकानें हैं जो रेंट और लीज पे हैं, तो मुझे लगता है लोगों को जो आसानी होगी। तो इसीलिए जो है आज हमने 3 जो हमारी नई ऐप्स हैं उसका जो है उद्घाटन माननीय जो है सीएम साहब से करवाया है, और उन्होंने भी हमें काफ़ी जो है बधाई दी है और कहा है कि अच्छा इनिशिएटिव लिया है नगर निगम ने। ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं ये जो है हमारी 11 सर्विसेज हैं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।